Click the like button, and if you are new to the channel, please subscribe and turn on the notifications by hitting the bell icon. Apple ने इस साल के WWDC 2020 को सभी नए iOS 14 फीचर्स के अनावरण के साथ किक स्टार्ट किया। इन नई विशेषताओं में वे विजेट्स शामिल हैं, जिनका उपयोग होम स्क्रीन पर किया जा सकता है, एप्स को व्यवस्थित करने का एक नया तरीका, ऐप क्लिप्स को बिना डाउनलोड किए संबंधित एप्स को तुरंत ढूंढने और उनका उपयोग करने के लिए, और यहां तक अपने आईफोन के साथ अपनी कार को अनलॉक करने का एक तरीका भी शामिल है। तो यहाँ टॉप 10 विशेषताएं हैं जो आपको iOS 14 अपडेट के साथ अपने आईफोन पर देखने को मिलेंगी। पहले नंबर पर है विजेट्स। यह शायद सबसे बड़े परिवर्तनों में से एक है जो iOS 14 आईफोन में ला रहा है और आपको ऐप के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके के बारे में अधिक ऑप्शंस देगा। iOS 14 के साथ विजेट्स अंततः इंस्टॉल किए गए ऐप्स के साथ होम स्क्रीन पर आने में सक्षम होंगे, जैसा कि हम एंड्रॉइड पर देखते हैं। iOS 14 में एक नया विजेट गैलरी होगा जहां आप अपनी पसंद के अनुसार विजेट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। सेकंड फीचर है PIP मोड। iOS पर पिक्चर इन पिक्चर फीचर की मांग के वर्षों के बाद Apple ने आखिरकार इसे iOS 14 के साथ यूजर्स को प्रदान किया है। सिस्टम वाइड PIP फीचर के साथ FaceTime और सफारी जैसे एप्स पर चलने वाले वीडियो एक छोटे से विंडोज में प्ले होते रहेंगे जब आप होम स्क्रीन पर लौटते हैं या किसी अन्य ऐप में प्रवेश करते हैं। फ्लोटिंग विंडो के आकार को एडजस्ट किया जा सकता है और वीडियो प्लेयर को डिस्प्ले के साइड में भी कलैप्स किया जा सकता है, जिसमें ऑडियो बैकग्राउंड में चलता रहेगा। थर्ड फीचर है ऐप क्लिप्स। ऐप क्लिप्स iOS में पेश की गई एक नई सुविधा है जो यूजर्स को कार्ड आधारित स्निपेट्स के माध्यम से तेजी से कार्य करने में मदद करती है, जो आपको ऐप के एक हिस्से तक पहुंचने की अनुमति देती है। इसका एक एग्जाम्पल स्कूटर को रेंट पर लेना, कॉफी खरीदना या पार्किंग पेमेंट जैसे कार्यों को पूरा करना है। ऐप क्लिप नए डिजाइन किए गए ऐप क्लिप कोड का उपयोग करके या NFC टैग और QR कोड के माध्यम से सेकंड के भीतर संबंधित कार्य को खोलेगा। नेक्स्ट फीचर है ऐप लाइब्रेरी। नए ऐप लाइब्रेरी फीचर के साथ आईफोन यूजर्स अपने सभी ऐप को कैटेगरीज और लिस्ट्स द्वारा ऑर्गेनाइज करने में सक्षम होंगे। यहां तक यूजर्स को चुनने की क्षमता प्रदान करता है कि वह कितने होम स्क्रीन पेज देखना चाहते हैं। फिफ्थ फीचर एप्पल सिरी को लेकर है। एप्पल की AI वॉयस असिस्टेंट सिरी को iOS 14 में मेकओवर भी मिल रहा है। जैसा कि पहले सिरी को कॉल आउट करने पर पूरी स्क्रीन पर काम करना होता था, तो यह अब नीचे एक छोटे एनिमेशन के रूप में दिखाई देगा। इसके अलावा सिरी पहले सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस भेजने में सक्षम थी और अब मैसेज ऐप में ऑडियो मैसेज भेजने में भी केपेबल होगी। नेक्स्ट फीचर में आता है ट्रांसलेशन ऐप। iOS 14 भी नए ट्रांसलेट ऐप को पेश करेगा, जो Google ट्रांसलेट की तरह यूजर्स को आसानी से एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने की अनुमति देगा। Apple का कहना है कि वर्तमान में ट्रांसलेशन एप्लीकेशन 11 भाषाओं का समर्थन करता है। ये इंग्लिश, मैंडरिन, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, जापानीज, कोरियन, अरबिक, पोर्चुगीज एंड रशियन लैंग्वेजेस है। और Google ट्रांसलेट की तरह iOS 14 ट्रांसलेट ऐप भी ऑफलाइन मोड में काम करेगा। नेक्स्ट फीचर में मैसेजेस है। iOS 14 के साथ आपको मैसेजिंग ऐप पर नए फीचर्स मिलेंगे, जैसे क्विक एक्सेस के लिए महत्वपूर्ण कॉन्टेक्ट्स द्वारा मैसेज को पिन करना, इनलाइन रिप्लाई, मेंशन आदि। इसके अलावा iMessage को कुछ नए मेमोजी एक्सेसरीज के साथ साथ अतिरिक्त हेयर स्टाइल भी मिल रहे हैं, हेडवियर, फेस कवरिंग और बहुत कुछ। अब आप ग्रुप फोटो के रूप में एक छवि या एक इमोजी भी रख सकते हैं। अगला बदलाव Apple AirPods में है। Apple ने कहा है कि iOS 14 के साथ AirPods को अलग अलग Apple डिवाइसों के बीच सीमलेस रूप से स्विच करने की क्षमता मिलेगी, जिनके साथ इसे जोड़ा गया है। जब AirPods जूस से बाहर होंगे तो लो बैटरी इंडिकेटर्स भी होंगे, आपके कानों को ध्वनि को ट्यून करने का विकल्प, Apple TV के साथ ऑडियो शेयर करना आदि। AirPods Pro के लिए आपको डायनामिक हेड ट्रैकिंग पर नजर रखने के लिए नए स्पेशल ऑडियो मिलेंगे, ताकि आप एक अधिक थिएटर जैसा अनुभव ले सके। नेक्स्ट फीचर है अपडेटेड मैप्स के साथ। थर्ड पार्टी एप्स जैसे Zagat या Alltrails के इंटीग्रेशन के बाद मैप्स पर अधिक सटीक रूप से गाइड्स के साथ योगदान मिलेगा। इसके अलावा Apple Maps को साइकिल चलाने के लिए भी समर्थन मिल रहा है, लेकिन यह केवल शुरुआत में कुछ स्थानों पर लॉन्च किया जाएगा। ये स्थान है न्यूयॉर्क शहर, LA, सैन फ्रांसिस्को के बे एरिया, शंघाई और बीजिंग। साइकिलिंग की सुविधा बाइक ट्रैक के लिए समर्पित दिशाओं के साथ ऊंचाई, सीढ़ियों और सड़कों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजर्स के लिए मैप्स ऐप स्वचालित रूप से EV चार्जिंग स्टेशंस को वाहन चार्ज, ऊंचाई आदि जैसे रूट्स को ट्रैक करके मार्ग में जोड़ देगा। 10th फीचर है एनहांस्ड प्राइवेसी।
एप्स को आपके डेटा को कलेक्ट करने या आपको ट्रैक करने से रोकने के लिए iOS 14 से सभी एप्स को अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। उन्हें ट्रैक करने से पहले यूजर्स आपके एप्पल आईडी से साइन इन करने के लिए मौजूदा अकाउंट्स को अपग्रेड करने में सक्षम होंगे। केवल ऐप के साथ अनुमानित स्थान साझा करने का चयन करेंगे। ऐप का माइक्रोफोन या कैमरे के उपयोग पर यूजर्स का अधिक नियंत्रण होगा। इसी के साथ हमारी टॉप 10 फीचर्स की लिस्ट यही समाप्त होती है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।